पुला बनने से फायदा भी है, गैरफायदा भी है। फायदा ये है सर, जो लोग को नजदीक हो गया जाने आने के लिए मार्केट, जैसे कि ये पुला है ना, ये छोटा है, इसके वजह से क्या होता है, जो आजू बाजू का जो गांव है उसमें जो थोड़ा जिधर कमजोर है उधर टूट जाने की वजह से ना, जो आजू बाजू गांव वाले हैं उनको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होता है। ये पुला बनने से आम आदमी जो बहुत जन है जो अपने नदी के अंदर घर बनाए हुए हैं उसमें थोड़ा परेशानी बढ़ रहा है। और झंझारपुर अनुमंडल अंतर्गत कन्हौली के नज़दीक NH 57 पर बनी कमला पुल को दिखा रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने में पश्चिमोत्तर भारत के तमाम वो जगह और इस दोनों जगह को कनेक्टिविटी करने के लिए ये पुला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पुला के संदर्भ में कुछ बताइए, इस पुला का जो है प्रभाव किस प्रकार से यहाँ के लोगों के आम जीवन पर पड़ा है। ये पुला बनने से आम आदमी जो बहुत जन है जो अपने नदी के अंदर घर बनाए हुए हैं उसमें थोड़ा परेशानी बढ़ रहा है। और ऊपर से जो है बारिश भी नहीं रुक रहा है और दूसरे नंबर जो है पानी बढ़ते ही जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत आदमी जो ऐसे है जो बहुत तकलीफ हो रहा है। रास्ते मैंने देख रहा हूँ 1 बजे रात से ना, लोग बाग ऐसे तैर तैर के लोग पानी में से आता है और ऊपर जो है पन्नी वगैरह लगाया गया है और उसमें लोग रह रहे हैं, लेकिन देखते जो है बहुत तकलीफ है क्योंकि यहाँ पे जो पन्नी वगैरह टांग टांग के मान लो खुद लोग तो खा लेंगे लेकिन उनका गाय है बकरियां है वो क्या चीज खाएगा। 3 महीना यहाँ परेशानी रहती होगी लेकिन फिर भी आप कुछ इस पुला के बारे में बताइए। ये पुला बनने से फायदा भी है गैरफायदा भी है। फायदा ये है सर, जो लोग को नजदीक हो गया जाने आने के लिए मार्केट, और दूसरे नंबर जब बारिश आता ना सर तो उसमें तकलीफ होता है। जैसे कि तकलीफ ये होता है जो पुला है छोटा है, और जैसे कि इस नदी के अंदर एक पुल और होना चाहिए इतना जितना बड़ा ये है, इससे थोड़ा बड़ा होता तो भी चलता लेकिन मैक्सिमम इससे छोटा भी होता तो भी चलता, लेकिन ये पुला छोटा है इसके वजह से जो नदी के अंदर घर बनाया है उस लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। और जो हम लोग नज़र से देखते हैं और अंदर की बात क्या है वो तो जो आदमी है इधर रहता है वही बताएंगे। अगल बगल के लोगों को परेशानी हो जाती है फिर भी इस पुला की अहमियत NH की दृष्टिकोण से NH 57 के लिए बनाई गई है तो निश्चित रूप से बहुत ही अहमियत रखती है। और क्या परेशानी होती है बाढ़ आने के बाद? सर जैसे कि ये पुला है ना ये छोटा है, इसके वजह से क्या होता है जो आजू बाजू का जो गांव है अगर जैसे कि नदी जो अपना नहर बनाते हैं उसमें जो थोड़ा जिधर कमजोर है उधर टूट जाने की वजह से ना, जो आजू बाजू गाँव वाले हैं उनको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ होता है क्योंकि वो अचानक से आता है बाढ़ तो उसमें थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो जाता है। कहीं किसी जन को घर रह जाता है, किसी का गाय रह जाता है, किसी का आदमी रह जाता है, कभी रात में बारिश आता है बाढ़ आता है तो लोग सोए रहते हैं उनका घर में पानी जाता है। कई जन ऐसे होता है जो बच्चे छोड़ के जाते हैं उनका बच्चे रह जाता है, वो बच्चे संभालेंगे या सामान संभालेंगे उनको कोई वो अंदाज नहीं आता है जो हम क्या कर पाएं। जहाँ सुपौल और मधुबनी मिथिलांचल का 2 भाग कभी कोसी नदी के कारण टूट चुकी थी और वो पुला बनने के कारण अब दोनों भाग एक हो चुकी है, और ये कमला पुल अपने आप में यहाँ के लोगों के लिए एक प्रकार से कहिए तो आने जाने की दृष्टिकोण से देखा जाए, आवागमन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही बेहतर है, एक प्रकार से वरदान भी है। तो दूसरी तरफ पुला छोटा होने के कारण यहाँ के लोगों को बाढ़ का प्रकोप भी झेलना पड़ता है, चूँकि नदी का जो पेटी है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की पेटी है और इसमें पानी का दबाव बाढ़ के समय में ज़्यादा होने से ज़्यादा यहाँ के लोगों को परेशानी हो जाती है तब जब बांध टूट जाता है, और बांध टूटने के कारण दोनों तरफ पानी का जो प्रभाव है एकाएक आने से झंझारपुर अंद्राठाड़ी मधेपुर के वो क्षेत्र जहाँ ये बांध का तटबंध टूटता है वहाँ के गांव के लोगों को ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोतरफा यहाँ इस पुला का दोहरी इसको गुणगान के रूप में कह सकते हैं या दो तरह से इसको देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ के लोगों के लिए सुविधाजनक भी है तो कहीं कभी कभी आफत के रूप में भी आ जाती है कमला नदी के बाढ़ के समय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए।